लूनी शब्द हो गया है ना, लूनी। आगे है छ्यामी, क्या है छ्यामी, क्षयिक क्षय धातु है, आदे च उपदेशे सिति, त प्रत्यय करोगे तो छई के ओई को क्या होगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ छा हो गया। आगे तो है तो आगे तकार को मकार करेंगे, छ्यायो मह, तो क्या शब्द होगा, छ्याम शब्द हो जाएगा, छ्यामम इच्छति इति छ्यामीय होगा, है ना, क्यच प्रत्यय होगा, किससे क्यच प्रत्यय होगा, हाँ लेकिन किस शब्द से होगा, क्यच प्रत्यय किससे होगा, सुबंत से परे होगा, छ्याम ओम आगे क्यच, सुनते हो, ओम का लुक हो जाएगा, केचीचा सूत्र से छ्याम के अ को ई होगा, छामीय होगा, छामीय के बाद फिर क्विप होगा, वही प्रक्रिया है, हैं? एक काम करो, पंखा एक कम करो, इसको चालू करो, बस इसको बंद करो, तो चालू करो, हाँ ठीक है। कितना है वो, 20। अच्छा कितना हुआ, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। ये पंखा जो है ना वो ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, पुराना है ना, ये स्पीड करने से आवाज़ हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है। हो गया, छ्यामीय होगा, क्या होगा, छ्यामीय, छ्यामीय हो जाएगा, और फिर कोई बागे करोगे है? फिर ओकार छ्यामीय में ओकार का लोप होगा, किसे, ओतलोप, और यकार का लोप, लोप बोले, आगे क्विप तो पूरा लोप हो जाता है, क्या शब्द बनेगा, छ्यामी, नहीं क्या बनेगा, छ्यामी, ये भी लूनी की तरह चलेगा, जब गौसी और गौस करोगे हैं तो छ्यामी के इकार को यण हो गया हैं, तो खेत्यात परस लगेगा हैं, लगा का ती कहाँ है, यहाँ पर ती तो है नहीं, असिद्ध हो जाएगा, इसलिए उनको तकार दिखाई देगा, सुनते हो, हाँ इसलिए क्या होगा, उकार तो हो जाएगा, जैसे लूनी में हुआ कि नहीं, लूनी हो, छ्यामी का क्या होगा, छ्याम्य, छ्यामी, घसी का अस, छ्यामी के इकार को यण करोगे, छ्याम्य, आगे अस, अस के उकार को क्या होगा, उत्तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तो, उकार हो जाएगा, छ्याम्य हो गया कि नहीं, ऐसे रूप चलेगा, सप्तमी वचन क्या बनेगा, छ्याम्यी, समझ में आया कि नहीं, तो छ्याम्यी का क्या अर्थ है, जो अपने लिए अनित्य वस्तु चाहता है, अज्ञानी सब अनित्य वस्तु ही चाहते हैं। और क्या, आगे देखो, आगे है प्रस्तिमी, क्या है प्रस्तिमी,
स्तेई शब्द संघातयो यही है, स्तेई है, वही प्रक्रिया होगी। आदे च उपदेश त प्रत्यय करोगे, आदे च उपदेश स्थिति से स्तेई के क्या करना है, हैं हाँ आगे त प्रत्यय करेंगे, स्तेई के ओई को आ हो जाएगा, नहीं स्त्या हो जाएगा, हैं अक्त के तकार को मकार, प्रस्त्यो अन्य तरस्याम से मकार कर देंगे, बाल रोम दिया है, स्त्याह प्रपूर्वस्य इति संप्रसारणम, स्तेई के यकार को संप्रसारण करने पर इकार होगा, क्या होगा इकार होगा ना इकार, फिर संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा कि नहीं, हाँ और हला सूत्र से क्या होएगा फिर दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रस्तिमा, क्या बनेगा प्रस्तिमा, फिर आगे क्या होगा प्रक्रिया वही होगी, प्रस्तिमी क्या है शब्द है प्रस्तिमी, तब प्रस्तिमी आगे घसी का अस है, घसी के अस को क्या होगा, पहले तो उका हाँ पहले तो यण कर लोगे प्रस्तिमी के इकार को, प्रस्तिम्य आगे अस के अकार को उकार, तो क्या होगा हैं बोलो प्रस्तिम्यो, रूप बराबर है, लूनी छामी प्रस्तिमी का रूप बराबर ही है। आगे देखो क्या है शुष्की शब्द है, हाँ अच्छा प्रस्तिमी का क्या अर्थ है, ध्वनिता शब्द जो चाहता है, नाच गाना करना है ना, नाचना है तो बढ़िया बढ़िया आवाज चाहिए कि नहीं, तो नाचेगा कैसे, क्यों भाई हैं एक कावड़ मेला चलेगा देखना अभी कितना धूमधाम होगा, ऐसा भाई तो पूरा हरिद्वार गूंज जाता है, क्या सुनते हो भाई राजो सुजाता जी ऐसे बजाते हैं कि पूरा पूरा हरिद्वार गूंज जाता है बिल्कुल, हैं हाँ गणपति में भी होता है इसी प्रकार है, बड़े ही विलक्षण होते हैं, ठीक है पिछले बार तो किसका प्रस्तिमी का अर्थ हुआ ध्वनित शब्द जो चाहता है, ध्वनित शब्द होता है ना गूंजने वाला शब्द ऐसा, इसलिए आपको दृष्टांत दिया ना, हमें कावड़ मेला में आवाज करेंगे बस, वो पिछले बार तो उधर ज्वालापुर रानीपुर मोड़ कहीं है, आसपास के बिल्डिंग के सब शीशे टूट गए, जानते हो पिछले साल की बात है ये, क्या टूट गए शीशे टूट गए, रास्ते से एलों के जुलूस जाती है, जाती है तो रास्ते के जो खिड़कियां थी ना सब टूट गई, हो इतनी आवाज हुई, बड़ा भयंकर है भैया राजू हाँ, बहुत कंपटीशन होता है, हैं हैं वहाँ होता है लेकिन इतना नहीं होता है, यहाँ तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन आवाज में कंपटीशन होता है, एक गंबाड़ी बोले जाने दो थोड़ा बहुत दो चार दिन का बोला तो गंबाड़ भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और दो चार दिन की बात है बोलते हैं, लेकिन इतनी आवाज़ हो जाती है थोड़ा रोकना चाहिए, ज़्यादा हो जाते हैं ना जो पेशेंट होते हैं ना उनको भी तो असर पड़ेगा कि नहीं, हार्ट के पेशेंट होंगे बच्चे लोग होंगे उनको असर पड़ेगा ना, ठीक है बोलना चाहिए जाओ तुम उधर बजाओ गंगा जी किनारे तरफ बजाओ, शहर के अंदर ना बजाओ तब तो ठीक है। आगे देखो है शुष्कीय शब्द है, क्या शब्द है शुष्कीय, सु है ना शुष्कीय कैसे बनेगा मालूम है, धातु क्या है सुस, सुस धातु है, सुस धातु से त प्रत्यय करोगे हैं तो के तकार को क कैसे होगा मालूम है सुसा कह, सुसह
है ना, तकार को ककार कर देंगे तो शुष्क हो जाएगा, क्या होगा शुष्क, फिर प्रक्रिया तो ही है ना। हाँ मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, बोलो इसका अर्थ क्या हुआ, जो अपने लिए क्या चाहता हो, शुष्क पदार्थ चाहता है, क्या चाहता है, शुष्क पदार्थ चाहता है, सूखा पदार्थ चाहता है भाई, और क्या, किसी किसी को अच्छा लगता है ना सूखा, सूखा है, और किसी किसी को सूखा अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी भक्त की बच्ची है, वो किट्टू उसका नाम है, तो वो उनको बिल्कुल गीला चाहिए, वो सूखा खाती नहीं, वो कुछ ना कुछ पानी मिला दो कुछ कर दो चलेगा वो, लेकिन सूखा नहीं खाएगी वो विलक्षण। चलो तो शुष्की शब्द क्या बन गया, शुष्की, जो अपने लिए शुष्क पदार्थ चाहता है, तो शुष्की सु में क्या बनेगा, शुष्की ही, समझ में आया। अच्छा आगे क्या है, इसी प्रकार पक्की शब्द होगा, पक्की कैसे बनेगा मालूम है, धातु क्या है, डुपचस्पा के पच धातु है, हैं दो ककार कहाँ से आ गया, जानते हो, दो ककार नहीं है वकार है आगे, हैं पक्की पक्की है ना, ककार के बाद वकार है, कैसे हो गया ये बोलो, हैं ककार कहाँ से आ गया, डबल ककार नहीं है, ककार के बाद वकार है, क्या पक्की है, ककार कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, पचो बच, ओ बकार हुआ, ककार कैसे हुआ, चौक हो, चौक से क्या होगा, हाँ हो जाएगा पक्को पक्की हो जाएगा, ठीक है, कैची जैसे इकार हो जाएगा ना, पक्की बन जाएगा, तब पक्की अपने लिए पक्को चाहता है पकवान, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, शुष्क में भी पक्को में भी यंग आदेश होगा, क्या होगा, यंग आदेश हो जाएगा, औ परे रहते शुष्की आगे औ, हैं यंग होगा कि यण होगा, एरना काचो लगेगा क्योंकि संयोग हो गया ना, सकार ककार संयोग हो गया, पूर्व में इकार के पूर्व में संयोग होने से एरन काचो लगेगा, नहीं लगेगा, यंग आदेश हो जाएगा, अति स्नु धातु भ्रुवांग यरिंग मंगो, तो यंग आदेश हो जाएगा, शुष्की यो बनेगा, तो शुष्की ही, शुष्की यो, शुष्की यह, शुष्की यम, शुष्की यो, बोलो शुष्की यह, बोलो आगे, पंचमी षष्ठी क्या होगा, हाँ शुष्की यह कुछ होगा नहीं, बोलो शुष्की यण नहीं होगा, यण का अच्छी सुना तो होगा, शुष्की शुष्की यो हो, शुष्की सु, शुष्की सु, हे शुष्की ही, हे शुष्की यो, हे शुष्की यह, इसी प्रकार का पक्कू क्या होता है, पक्की का हो गया, आगे चलो, इति ईदंता, बोलो दीर्घ इकारांत हो गया, आगे उकारांत चलेगा, शंभुर हरिवद, बोलो हरि का रूप जिसको याद है, प्रक्रिया जिसको याद है, शंभु की भी वही प्रक्रिया वही रूप चलेगा, सुनते हो, ठीक है ना, उसी की तरह चलेगा, मतलब घी संज्ञा होगी, घी संज्ञा किससे होती है, अच्छा कैसे घी संज्ञा होती है, हाँ ऐसा बोलो अच्छा घे फिर क्या करता है, क्या करता है बताओ, अच्छा घे फिर क्या करता है, अब रेकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बोलो अच्छा घे क्या करता है, आयुष्य को और जो
केवल इकार को बोलता है। हाँ ऐसा बोलो, हाँ इकार को भी ओ करेगा, उकार को भी ओ करेगा। हाँ तो शंभु का क्या बनेगा? संभव। आपका नाम आ रहा है विष्णु, देखो आया। हाँ शंभु का रूप चलाएंगे, चलो शंभु हो। शंभुना राजा, शंभुना कैसे हुआ बोलो मधुमंगल। हाँ ठीक है, वो तो स्त्रीलिंग में बोलता है, ये तो स्त्रीलिंग नहीं, कैसे होगा? आंगुना स्त्रियां बोलता है ना, ये तो हाँ वो तो स्त्रीलिंग बोल रहा है, ये तो स्त्रीलिंग नहीं है, तो कैसे होगा? हाँ ठीक कह रहा, अस्त्रियां स्त्रीलिंग में नहीं बोलता है, स्त्रीलिंग। शंभुना शंभुभ्याम शंभुभि आगे। शंभो कैसे बना बोले कपिल जी? शंभो कैसे हुआ, क्या सूत्र है बोलिए? नहीं पता है क्या सूत्र है? गसी गसोश्च, गसी गसोश्च क्या होता है? पूर्व रूप एकादेश होगा। शंभो का जो ऊ को गुण करोगे किससे? गैर के थी शंभो आगे घसी का अस, तो पूर्व रूप एकादेश होगा, तो क्या बनेगा? शंभो शंभुभ्याम शंभुभ्य। षष्ठी बोलो आगे, शंभु नाम घी में शंभौ शंभो शंभुषु हे, विसर्ग है नहीं है? विसर्ग, विसर्ग है, क्या कहते हो कपि? ये मधुमंगल जी बोलो, संबोधन के वचन में विसर्ग है, लेकिन इनको पता नहीं, आप बोलो ना भाई, है कि नहीं है? नहीं पता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? विसर्ग कहाँ गया? बोलिए, नहीं पता है। बोलो आयुष। हाँ एंगंता मान करके शु का लोप होगा, हे शंभो हे शंभु हे शंभो, मालूम है ना? आगे देखो, एवं विष्णु, विष्णु का रूप चलाओ, आप बोलो विष्णु का, विष्णु को बोलते हैं विष्णु का रूप चलाओ, चलाइए। हे विष्णु हे विष्णावः, ठीक है। इसी प्रकार वायु का भी होगा, इसी प्रकार भानु का भी होगा, ठीक है। ऐसे होगा और क्या? हाँ राजू का भी होगा, भी हर्षव कारण था कि दीर्घ कारण था? क्यों भाई हर्षव है तो बोलो फिर, हाँ बोलो फिर जोर से बोलो, अपना अपना नाम बोलना चाहिए, बोलिए। राज
राजव राजव ज पूरा है। चलो ठीक है, भानु ऐसे ही चलेगा सब। जब घी संज्ञा हो ना, सब घी संज्ञा, घी संज्ञा वाले उकारांत ऐसे है पुलिंग में। आगे देखो क्रोष्टु शब्द, आगे क्या शब्द है? क्रोष्टु क्रूश धातु होता है, धातु है क्रूश। क्रूश आह्वाने रोदने च, ये धातु है ना, बहुत बोलते हैं ना रात में जो है, क्या बोलते हैं उसको? श्रीगाल, श्रीगाल बहुत बोलता है वो रात में, वो किनारे गंगा जी किनारे छोटा सा रहता है लेकिन बहुत आवाज़ करता है, ठंडी में ज़्यादा करता है, ठंडी में ठंडी लगती होगी ना। हाँ किनारे भी रहता है। हाँ वही वही श्रीगाल है, क्या बोलते? अच्छा हाँ बोलते हैं क्रोष्टु। क्रोष्टु कैसे होगा? धातु है क्रूश, धातु क्या है? क्रूश। आगे क्या है देखो, तून प्रत्यय, देखो बालमुरा में दिया है 277 पृष्ठ में, देखो दूसरी पंक्ति है बालमुरा में, शीत निग मीम सी सच विधाय कृषिभ्यस्तून, ये है देखो, ठीक है ना, इसे तून प्रत्यय हो जाएगा। तून का क्या रहेगा? तू रहेगा। धातु क्या है? धातु क्या है? क्रूश। क्रूश आगे तून, तून का तू रहा, उपधा को गुण हो जाएगा किससे? क्या? फुकांत लघु पद से, फुकांत लघु पद से गुण हो जाएगा, क्रू के ऊ को गुण होने पर क्रो हो जाएगा, सुनते हो? और सकार हो जाएगा, ब्रश्च भ्रज सूत्र है, ब्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज शामस, सकार को क्या होगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और ये तू के तकार को टूनाष्टु से टकार हो जाएगा, तो क्या बनेगा? क्रोष्टु उकारांत, क्रोष्टु श्रीगालबाची। और एक त्रिच प्रत्यय होगा, क्रूश धातु से त्रिच होगा, त्रिच होगा तो क्या शब्द बनेगा? क्रोष्ट्री, क्या बनेगा? क्रोष्ट्री। एक उकारांत क्रोष्टु और ऋकारांत क्रोष्ट्री, दोनों का अर्थ श्रीगाल ही है, बात समझ में? हाँ। अभी किसका रूप चला रहे हम? क्रोष्टु उकारांत का रूप चला रहे, उकारांत क्रोष्टु, आगे सु का सकार है, आगे क्या है? सु का सकार है नहीं? तो क्रोष्टु आगे सु का सकार, सूत्र आता देखो, त्रिजवत क्रोष्टु हो, त्रिजवत क्रोष्टु हो, क्रोष्टु स्त्रियंतेन तुल्यं वर्तते, असंबुद्धो सन्नाम स्थान परे। देखो सरनाम स्थान परे रहते लेकिन संबुद्धि को छोड़ करके, संबोधन का एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, एक वचन हम संबुद्धि, संबुद्धि को छोड़कर जो सरनाम स्थान होगा ऐसे प्रत्यय परे रहते क्रोष्टु क्या होगा? त्रिजवत भाव, त्रिजवत कहा सूत्र में, क्या कहा? त्रिजवत, त्रिज में जानते हो त्रिज प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है तयंत ग्रहणम, इसलिए त्रिज प्रत्यंत वाला होगा, त्रिज प्रत्यंत की तरह होगा, है ना, तेना तुल्यम क्रिया चेतवत्ति, त्रिजंतेना तुल्यम इति त्रिजंतवत, क्रोष्टु शब्द त्रिजंत की तरह होगा, किसकी तरह होगा? त्रिजंत, एक त्रिज प्रत्यंत बोलो, एक शब्द बोलो त्रिज प्रत्यंत बोलो, और धात्री बोलो, धात्री धात्री, और दूसरा बोलो क्या? मातृ तो बोल चुके, बोलो आगे ऐसे, कर्त्री बोलो, कर्त्री, सूत्र ना बोलो भाई, शब्द बोलो, सूत्र का शब्द ना बोलो, दूसरा बोलो शब्द, नहीं पता आप लोगों को, कर्त्री धात्री धातु बोलो, त्रिज प्रत्यय जोड़ दो, हाँ भोक्त्री ऐसे, पक्त्री नहीं ऐसा बोलो, तो बहुत सारे त्रिज प्रत्यंत है, हाँ त्रिज प्रत्यंत बहुत सारे है अभी, उनमें से क्या करोगे यहाँ पर, किसका आदेश करोगे?
तो क्या होगा, देखो आगे लिखा है, क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने, बोलो क्रोष्ट्री शब्द प्रयोक्तव्य। देखो त्रिच प्रत्यंत बहुत है कि नहीं, त्रिच प्रत्यंत बहुत है, तो उनमें से त्रिच प्रत्यंत क्रोष्ट्री भी है कि नहीं है, स्थानी कौन है, किसके स्थान पर है बैठा रहे हो, क्रोष्टु हो गया स्थानी, आदेश कौन है, हाँ त्रिजंत, त्रिजंत शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्थानांतरतम कितने प्रकार के सादृश्य होते हैं, चार प्रकार, क्या क्या, स्थान अर्थ गुण प्रमाण, क्या गुण प्रमाण है ना, उनमें से क्या बैठोगे, स्थान होगा या पर स्थान से तो होगा नहीं, गुणा किसको लेकर होता है, प्रयत्न को लेकर होता है, और प्रमाण तो मात्रा को लेकर होता है, ये तीन तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या करें, अर्थकृत सादृश्य होगा, क्या होगा, क्रोष्टु का क्या अर्थ है, श्रीगाल, और क्रोष्ट्री का भी अर्थ श्रीगाल, सुन रहे कपिल जी, क्या है, क्या सुना है, बोलो क्या सुना आपने, स्थानी कौन है, किसके स्थान पर क्या बैठा रहे हो, स्थानी क्या है, देखो सुनते क्यों नहीं भी, हाँ क्रोष्टु है स्थानी, आदेश क्या है, नहीं आदेश तो त्रिज प्रत्यंत है, सूत्र में क्या बोलता है, त्रिजवत कहा ना, हाँ आदेश क्या है, अरे बाप सुनते नहीं आप लोग भाई, आदेश क्या हो रहा है त्रिजवत क्रोष्टु में, क्या बोलो ना, त्रिज प्रत्यंत बोलो, आदेश हो गया त्रिज प्रत्यंत, स्थानी क्या है, क्रोष्टु, इतना आया समझ में अभी, ये अतिदेश कर रहा है ना, क्रोष्टु शब्द त्रिज प्रत्यंत की तरह होगा, मतलब त्रिज प्रत्यंत आदेश होगा, किसके स्थान पर होगा, क्रोष्टु के स्थान पर, तो त्रिज प्रत्यंत बहुत है कि नहीं, है ना, तो कौन बैठाएंगे, किस सादृश्य से बैठाओगे, कौन सा सादृश्य से बैठा रहे हो, और तक के, और तक के सादृश्य होगा, बाकी सादृश्य नहीं होगा, है कि नहीं, इसलिए क्रोष्टु का जो अर्थ है ऐसा अर्थ वाला जो शब्द होगा वो बैठेगा, तो क्रोष्टु का अर्थ क्या है, श्रीगाल, श्रीगाल वाचक त्रिज प्रत्यंत कौन है, क्रोष्टि, इसलिए क्रोष्टि बैठेगा, इसलिए बोले क्रोष्टु शब्द से स्थान है, क्रोष्टि शब्द प्रोक्तव्य इत्यर्थ, ये अभिप्राय हुआ, इसलिए किसका रूप चलेगा, अभी क्रोष्टरी का रूप चलेगा, रिकारांत का रूप चलेगा, ठीक है, हाँ कितने स्थान पर चलेगा, ऐसा पांच स्थान पर चलेगा, सु औजस ऑम आउट में चलेगा, ठीक है, आगे सु है क्रोष्ट्री, आगे सु नहीं, सूत्र आ रहा, देखो रितो गी सरनाम स्थान यो हो, रितो गी सरनाम स्थान यो हो, देखो रीता षष्ठी का एक वचन है, गी सरनाम स्थान यो बोलो, सप्तमी का द्विवचन, गी प्रत्यय पर रहते सरनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय पर रहते, तो क्या होगा मालूम है, गुणा हो जाएगा, क्या होगा, गुणा हो जाएगा, गुण आदेश करेगा, ये रिदंतांगस्य गुणः स्यात्, नहीं रुको, गौण सरनाम स्थान च परे बोलो, रिदंतांगस्य गुण स्यात्, सूत्र में जो रीत कहा तपर किया ना, क्या किया तपर किया, तो किसका ग्रहण नहीं होगा, दीर्घ का ग्रहण नहीं होगा, दीर्घ प्रत्यय का, हर्ष का ही ग्रहण होगा, ये रीत किसका विशेषण है बोलो, अंगस्य का विशेषण है, हृदंत अंग को गुण होगा,
जैसे मान लीजिए कर्तृ क्या है, कर्तृ 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 है ना, कर्तृ आगे गी सप्तमी वचन क्या बनेगा, कर्तरी हो जाएगा, गुण होगा, री को गुण पर और होगा जोड़ दो कर्तरी, ओ में क्या बनेगा मालूम है, कर्तारो बनेगा, यहाँ पर भी गुण होगा, समझ में अभी है ना, उपदा को दीर्घ होगा, ठीक है। चलो इतना आया ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर ही प्राप्त हुआ क्रोष्ट्री, आगे क्या है बोलो, सु है ना, हृदांतंग है क्रोष्ट्री, सरनाम स्थान है पर में, सरनाम स्थान किस सूत्र से होता है, हाँ सुड़ा नब्बे से है, सरनाम स्थान संज्ञा होती है, इति प्राप्ति। आगे देखो सूत्र, री दुसनास पुरुदंसो नेह सामच, रिदंतानाम उसनासित उस नसादीनाम च, बोलो अनंस्याद असंबुद्धो सौ परे, देखो असंबुद्धो सौ मतलब संबुद्धि से भिन्न सु, मतलब संबोधन में नहीं लगेगा है कि नहीं, संबोधन में ये लगेगा नहीं, संबोधन का जो एक वचन होगा वहाँ पर नहीं, संबोधन ना हो तो सु हो तो होगा है कि नहीं, क्या होगा देखो रिदंतानाम, रीत आया ना सूत्र में, हाँ रीत का तो रिदंत अंग ले लो, दूसरा है उसनस, दूसरा क्या है उसनस, किसको बोलते मालूम है, उसनस किसका नाम है, उसनस तंत्य सकार शुक्राचार्य, हाँ उसना कवि का ना शुक्राचार्य है, और दूसरा क्या है पुरुदंसस, शब्द क्या है पुरुदंसस शब्द है, पुरुदंसस किसको बोलते हैं मालूम है, हाँ इंद्र को कहते हैं, सही है इंद्र को कहते हैं पुरुदंसस, ठीक है ना। और निहस किसको कहते हैं, काल, और निहस काल को कहते हैं, सकारांत है अनहस शब्द, कौन कौन हो गए शब्द बोलो, रिदंत शब्द, उसना शब्द है, पुरुदंसस क्या शब्द है, हाँ पुरुदंसस, और आगे अनेहस है ना, इसको क्या होगा अनंग आदेश हो जाएगा, अनंग का क्या रहेगा अन रहेगा, गंकार की संज्ञा नकार उत्तवर्ती अकार उच्चारण के लिए अन रहेगा है ना, हाँ अभी रिदंत अंग है कि नहीं क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री आगे सु का सकार है तो क्रोष्ट्री के रिकार को अनंग, अनंग का क्या रहेगा अन रहेगा, अन किसके स्थान पर होगा, अनेकाल होने से पूरे के स्थान पर होना चाहिए, लेकिन गींच है क्या है, गींच परिभाषा है कि नहीं, गीत अनेकाल अपि अंतस्य अवश्यात है कि नहीं, इसलिए क्रोष्ट्री के रिकार को अन हो जाएगा तो क्या बनेगा क्रोष्टन, क्या बनेगा बोलो क्रोष्टन, आगे सु का सकार है, क्रोष्टन आगे सु का सकार है कि नहीं, सु का सकार, ऐसा आने पर सूत्र आ रहा देखो, हाँ लंबा सूत्र है अप त्रेन त्रिज, बोलो स्वस्त्री नपत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री राम, बिना रुके बोलेंगे विष्णु बताओ बिना रुके, बिना रुके बोलो, देख कर बोलो कोई बात नहीं, वो नहीं बोलना है, हाँ ना 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 मधुमंगल जी आप बोलो, आप बोलो कपिल जी, आप त्रेन त्रिज स्वस्त्री नत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री राम, हाँ आप बोलो, आप त्रेन त्रिज स्वस्त्री नत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री राम,
बोलो सुजाता जी, आप बोलो जोर से, देख कर बोलिए। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, कट गया अपने आप। कैसे कट गया, नेट चला गया होगा। नेट का प्रॉब्लम है। गूगल पर कुछ हो गया है, नहीं ले रहा है। देखो गूगल मीट ब्लॉक हो गया, गूगल मीट पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तो टाइम होगा, रहने दो। टाइम तो है 10 मिनट, चलो कैसे होगा फिर। दोबारा करता हूँ मैं। हो जाएगा लगता है। हाँ नहीं चला नहीं है वो गूगल मीट, अपने आप बंद हो गया था। चलो हाँ ये बोल रहा था कि ये सूत्र बोलो, ये पूछ रहा था आपसे। हाँ पहले मैं, हाँ बोलो बोलो। ठीक आप बोलो। हाँ रुको रुको रुको, अप त्रिन त्रि स्वस्त्री बोलो ऐसे। त्रीणाम। ठीक त्रिदीर्घ है त्रैण। तो ये सूत्र देखो है, अवादीनाम उपधयाः दीर्घ स्यात् बोलो। असंबुद्धो सनाम स्थाने परे। ये सूत्र जो है दीर्घ करता है, क्या करता है, दीर्घ करेगा ये, है ना, क्या करेगा ये सूत्र, उपधा को दीर्घ करेगा। ठीक है। तो उपधाय नो उपधाय से उपधाय की अनुमति आएगी, ठीक है ना। सवनाम तना चार संबुद्ध सूत्र है, उसके नीचे सूत्र ये है, संबुद्धि से भिन्न सन्नाम स्थान पर में हो तो, और इतने शब्द है अप से लेकर के प्रशास्त्री तक, इनकी उपधाय को क्या करेगा, दीर्घ करेगा। क्या क्या शब्द है देख लो, पहला कह दिया अप, अप जानते हो ना, जल, अप मतलब जल होता है, जल है। उसके बाद त्रिन त्रिज, ये तो प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, त्रिन प्रत्यांत त्रिज प्रत्यांत, ठीक है। सश्री जानते हो, सश्री किसको कहते हैं, नहीं पता है, हाँ सश्री सास को बोलते हैं, सश्री बहन को नहीं बोलते, सश्री ससुरी तो बहन को बोलते ना, कौन सा घर, ससुरी है ना, हाँ ससुरी तो बहन को बोलते ना, ससुरी सासू को बोलते हैं, ससुरी नहीं, ससुरी है ना, ससुरी हाँ। ससुरी के बाद नपत्री, नपत्री किसको बोलते हैं, नाती को बोलते हैं, नाती को बोलते हैं भैया, ठीक है। पौत्र मतलब
न पतन्ति पितरो येना इति नपता है। नाती होगा तो क्या आगे पिंडदान वगैरह करेगा कि नहीं है, इसलिए पौत्र को कहते हैं नपत्री, नपता बन जाएगा प्रत्येक वचन में। उसके बाद कह दिया नेष्ट्री, नेष्ट्री नेष्टि होते हैं ऋत्विज, सोमजाग में जो मुख्य जो होते हैं ना 16 होते हैं, सोमजाग में 16 जो ऋत्विज होते हैं मुख्य, उसको कहते हैं क्या है नेष्ट्री बोलते हैं। नेष्ट्री की बात क्या है तष्ट्री, तष्ट्री किसको कहते हैं बढ़ई, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है ना उसको कहते हैं तष्ट्री, है कि नहीं। तष्ट्री के बाद क्या शब्द है क्षत्री है, क्षत्रिय तो जानते हो आप लोग, क्षत्रिय क्षत्रिय है। आगे क्या है होत्री तो जानते हो, ऋग्वेद के जो ऋतिज को होता होत्री मतलब है ना, हाँ पोत्री क्या है, हाँ है ना पोत्री उसको भी कहते हैं, जो जो ऋतिज के सहायक को भी कहते हैं पोत्री, उसको भी कहते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है वो तो जानते हो, शासन करने वाले को कहते हैं प्रशास्त्री, ये सब ले लो ठीक है। इनके उपदाव क्या करेगा दीर्घ करेगा नहीं, आयुष क्या करेगा दीर्घ करेगा, देखो ठीक है। अवादिनाम उपदया दीर्घ सात असंबद सन्नाम थे हो गया। हाँ अब इसका रूप चलाना है ना क्रोष्ट रूप को अनंग करने पर क्रोष्टन है कि नहीं, क्या यहाँ पर त्रिज प्रत्यंत है कि नहीं, त्रिज प्रत्यंत होने से क्रोष्टन में उपधा कौन है नकार के पूर्व जो अकार है उसको दीर्घ कर देंगे क्या बनेगा क्रोष्टान। आगे सूखा सकार है, आगे क्या है सूखा सकार है, सूखे सकार का लोप करो हल्ञा पे से और नकार का लोप करो न लोप से तो क्या बन जाएगा क्रोष्टा। और ओ आगे प्रतिपदी क्या है क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री प्लस ओ, क्रोष्ट्री के री को गुण करोगे पहले किस सूत्र से ऋतोगी सन्नाम था ना जो है, हाँ ऋतोगी सन्नाम था तो गुण करने पर क्रोष्टर और ये लगेगा अवतीर्ण त्रिज है उपदाय को दीर्घ क्रोष्टारो, जस में क्रोष्टार, अम में क्रोष्टारम, औट में क्रोष्टारो, आगे सस में गुण होगा नहीं होगा, हाँ क्रोस्ट्रीन रिकारंत चला रहे हो ना क्या है, हाँ लेकिन ये जो है आपका हाँ ओ ओ ओ ओ लगेगा नहीं ना, इसलिए वहाँ पर उकारांत रूप चलेगा क्रोस्टो, आगे उकारांत रूप चलेगा क्रोस्ट्री रूप नहीं चलेगा। ये जो त्रिवद क्रोस्टो है वो सरनाम स्थान में ही कहता है, आगे किसका रूप चलेगा क्रोस्टू का रूप चलेगा, क्रोष्टु क्रोष्टु किसकी तरह चलेगा शंभु की तरह चलेगा, क्रोष्टून आगे क्रोष्टु ना हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा ठीक है। लेकिन आगे आपकी ये है ना आगे टा आदि में ये लगेगा विवाह से विकल्प से हो जाता है, फिर विवाह सा तृतीय आदि सोची टा से होगा, टा से होगा है ना, टा से विकल्प फिर हो जाएगा ठीक है। सॉस में तो क्रोस्टून हो जाएगा, जब टा करोगे दो रूप हो जाएगा फिर है ना, इसका कल करते रहने दो। ओम पूर्णमद नृतावसाने नटरा।